अभी की बड़ी खबर 6 राज्यों के 7 विधानसभा उपचुनाव को लेकर है। जी हाँ, जहाँ 7 विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए थे उसमें से करीब 5 सीटों पर बीजेपी ने अपना कब्जा जमा लिया है और इससे साफ है कि बीजेपी की लहर एक बार फिर से उपचुनाव में भी देखी जा रही है। जी हाँ, 7 में से 2 सीटों पर विपक्ष के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं या कह सकते हैं जीत सकते हैं, जिसमें बिहार के मोकामा सीट, जिस पर अनंत सिंह बाहुबली नेता जिन्हें हाल ही में सजा हुई थी जिस कारण उन्हें विधायकी गंवानी पड़ी थी, उनकी पत्नी ने जीत दर्ज कर ली है। आरजेडी से मोकामा सीट से उम्मीदवार अनंत सिंह की पत्नी ने जीत दर्ज कर ली है और आरजेडी को 1 सीट पर विजय मिली है। वहीं महाराष्ट्र के मुंबई में चल रहे उपचुनाव के लिए शिवसेना उद्धव गुट ने जीत हासिल कर ली है, जबकि बिहार के दूसरे सीट गोपालगंज पर बीजेपी आगे चल रही है और यहां पर कांटे का मुकाबला बताया जा रहा है। हरियाणा के आदमपुर सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है। वहीं बात करें उड़ीसा की तो उड़ीसा में भी बीजेपी काफी आगे चल रही है और बीजेपी की जीत यहां भी पक्की मानी जा रही है। कुल मिलाकर 7 विधानसभा पर हुए उपचुनाव में 5 पर बीजेपी आगे है और 2 सीटों पर विपक्ष, जिसमें से एक आरजेडी के उम्मीदवार हैं और एक शिवसेना उद्धव गुट के उम्मीदवार, जीत हासिल कर चुके हैं। जी हां, बने रहिए मोबाइल न्यूज 24 के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।